राजीव जी से मैं कमेंट ले लेती हूँ, राजीव जी वो कह रहे कि आप पर भरोसा कैसे करें, आप कभी उनको गले लगा लेते हैं, कभी आपको ये एकदम धुर विरोधी और लोकतंत्र के खिलाफ और भगवा करने वाले दिखाई देते हैं, तो मोदी जी भी वही है, पार्टी भी वही है, क्या है आपका जो मसला है इधर से उधर जाने का? अंजना जी एक बात बिल्कुल साफ है, जनता दल यूनाइटेड अकेला ऐसा दल नहीं है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुआ। इसके संस्थापकों में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तीन दल थे उन्होंने भी इन्हें छोड़ा, और जिन जिन लोगों के कंधे पर सवार होकर के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो नवीन पटनायक जी हो, बहन मायावती जी, शिबू सोरेन हो, या महबूबा मुफ्ती हो, या इस तरह के अनेक विसंगतिपूर्ण गठबंधन जिसको ये कहेंगे, वहां ये गए और उन पार्टियों के कंधे पर सवार होकर के इन्होंने उनके सर को ही मुंडना शुरू किया। अब हालात बदले, लोगों को ये लगा, और बाद के दिनों में शिंदे मॉडल का इस्तेमाल इन्होंने कई राज्यों में करना शुरू किया। तो राजनीतिक दलों को जरूर यह तय करना था कि ये पूरे देश में जो एक राजनीतिक साम्राज्यवाद है कि एक दल विशेष किसी भी सूरत में चुनाव जीत कर आए, अगर जीत कर नहीं आए तो विधानसभा में जिस दल के पास पर्याप्त समर्थन है उसे विभाजित करके वहां अपनी सरकार। ठीक है, शिंदे मॉडल कह रहे, इस पर आप जवाब दीजिएगा, इस वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां मान रही, रुक जाइए एक सेकंड, आलोक जी जवाब दे दे पहले आपकी बातों का। आलोक जी वो कह रहे हैं कि इस तरह से जीतेंगे इस बार कि आप सब देखते रह जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो ईवीएम अगर हाथ में कंट्रोल में हो तभी हो सकता है, वैसे तो नहीं लगता है। जनता का अपमान ऐसे कोई नहीं कर सकता है। मुद्दे पर आते हैं, कह रहे हैं कि साहब कौन कौन सा विषय, मैं कह रहा हूँ अच्छे दिन के नाम पर वोट, नोटबंदी के नाम पर मांगे ना वोट आप, विपक्षी एकता, एक मिनट भाई, एक मिनट, विपक्षी एकता की बात लेते हैं, ये बड़ी अच्छी, अरविंद वाजपेयी जी ने कहा कि विपक्षी एकता हो जाएगी तो क्या होगा। मैं बताता हूँ अरविंद वाजपेयी साहब, बिहार में आपका एक एमपी है अभी, वो भी खाता नहीं खुलेगा, पिछली बार विधानसभा में नहीं खुला था, इस बार लोकसभा में नहीं खुलेगा अगर विपक्ष एक हो गया तो। और 2015 में नीतीश जी का डीएनए ढूंढ रहे थे मोदी साहब, और 2015 के बाद वो फिर जब 2020 का चुनाव आया तो विकास पुरुष हो गए थे। तो सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी का कभी आप बिहार लेके लोगों का डीएनए ढूंढते, उनको भ्रष्टतम बताते हैं आप, फिर उनके साथ गले मिल जाते हैं। और ये काम यहां पर नहीं है, अभी मेघालय का एग्जाम्पल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल है, पीडीपी का एग्जाम्पल है, सपा बसपा अकाली शिवसेना, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई और जिसके पीछे पीठ में 24 इंच का खंजर इन्होंने बीजेपी वालों ने नहीं घोंपा है। और वाजपेयी साहब आप तो अब समझिए, आपकी तो पार्टी को खत्म कर दिया, अब भी आप बीजेपी और बीजेपी की माला लेके बैठे। खैर आप बड़े हैं मेरे भाई हैं, आप कह सकते हैं, बीजेपी 35 से ज्यादा चुनाव हारी है, तो अगर मोदी जी का ग्राफ इतना अच्छा है और 5 किलो राशन और शौचालय से देश चल रहा है, तो शौचालय पहले थे ही नहीं, 8 करोड़ राज्यसभा में बताए, 11 करोड़ लोकसभा में हो गए, 23 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में घर हैं, और 11 करोड़ मोदी जी ने शौचालय जो हैं वो 2014 के बाद बनवाए, तो बाकी तो शहरों में कहीं पर शौचालय थे ही नहीं। ये आंकड़े भी फर्जी हैं, ये सरकार भी फर्जी है, और जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं 2019 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बहा है, और जिस तरह से कोरोना का मिसहैंडलिंग हुआ, तमाम चीजें हुई हैं, आज महंगाई किस चरम पर है, बेरोजगारी किस चरम पर है, तमाम मुद्दे, और शायद ये सरकार अभी भी अहंकारवश इन चीजों को नहीं देख पा रही। वाजपेयी जी आपका जवाब। मेरा जवाब सीधा सा है, ये आलोक शर्मा जी आपको कांग्रेस से लड़ना है, ये बीजेपी से लड़ना है या एलजेपी से लड़ना है, पहले तो ये तय कर लो। और दूसरी बात ये है कि मोदी के डिफॉल्ट पे या उनको गालियां दे के जनता उसको पसंद नहीं करती है, और ये सब लोग आप एडमिट कर रहे हो कि प्रयास कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं जी, हो सकता हो जाए ना हो जाए, और कितने खेमे बने हुए कांग्रेस के, राहुल गांधी की नेतृत्वता कौन स्वीकार करने को तैयार है? अगर जिनके दो दो सांसद हो, दो दल, एनडीए के नाम बताइए वाजपेयी साहब, आप बड़े भाई हैं मेरे, एनडीए को जरूरत नहीं है ना, 303 है उनकी, काहे को आप एनडीए के साथ चल रहे हो फिर, जरूरत नहीं है तो उनकी, एनडीए को मतलब सहयोगी दल टीवी पे आकर कह रहे हैं कि हमारी जरूरत नहीं है बीजेपी की, तो क्या मजबूरी है फिर आपकी? अरे इस भक्ति का आपको ही तो काम खोजना है, ये है भक्ति है तो है, करोगे तो समझ आएगी, पार्टी खत्म कर दी फिर भी भक्ति खत्म नहीं हो रही, हम ये क्या कह रहे हैं, हम उनका ध्यान वर्धन कर दूं, अरे अरे जवाब तो सुन लो, आदरणीय पूरा करें दो लाइन, आप तो मोदी जी को, मोदी जी के कामों की भक्ति करते हैं,
मोदी जी का जो राष्ट्रभक्ति है, मोदी जी का जो विकास है, उसको हम कर रहे हैं। कपटी राष्ट्रवाद है, नकली हिंदुत्व है और फर्जी डिग्री है। अपनी चिंता करिए ना, किसकी वकालत कर रहे हैं आप? 271 भी रह गए तो आरएसएस सबसे पहले लेके आएगी कि डिग्री फर्जी है। अरे पहले सबसे पहले आरएसएस निकल के आएगी। पहले आरएसएस भी चाहती है डिग्री का मुद्दा, मोदी जी को हटाया जाए। अडानी का मुद्दा है कि नहीं? ये क्यों नहीं है मुद्दा भाई? अडानी का कमाल कर रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपया एक दिन में उड़ जाता है। सोचिए 2024 में हमारी जब सरकार आएगी, 100 ईडी और सीबीआई के अधिकारी अडानी के कार्यालय में घुसेंगे, तब क्या होगा? जवाब तो सुनिए, दो लाइन में पूरी कीजिए बात। अरविंद जी, हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज कैसे कर सकते हैं? फर्जी डिग्री है। अमित शाह जी ने और एक कौन साहब थे मैं भूल गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई है, ऐसे नहीं दिखाई है। रॉफल में भी आपने कितना शोर मचाया है। प्रधानमंत्री की डिग्री लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को लाके रखनी पड़ रही है, इससे ज्यादा बड़ी क्या विडंबना होगी? 35 साल बाद तो पता चला शादीशुदा। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपके पास तथ्य हो ना तो अमित शाह जी और अरुण जेटली जी ने दिखाई थी। अभी इन्होंने पूछा कि एक एनडीए के पार्टनर का नाम बताइए जिसके पास 2 से अधिक सीटें हो, दो नाम बताइए कहा इन्होंने। एक शिवसेना है, 13 सांसद हमारे साथ हैं। ये तो बाद में बनी है ना भाई? अरे शिवसेना हमारे साथ थी तो और है। खरीदे थे आपने, क्या क्या मतलब है? एकदम ओके अंजना जी, ये सबको हॉर्न नहीं करने के लिए बोला है। अंजना जी अंजना जी, 13 सांसद शिवसेना के साथ हैं, हमारी एक साथी अपना दल 2 सांसद उसके हमारे साथ हैं, सबको पता है। इसी तरह से जो है लोक जनशक्ति पार्टी का एक जो धड़ा हमारे साथ है, उसके 4 सांसद हैं। दोनों धड़े आपके साथ हैं? हाँ, दोनों धड़े नहीं है जो हमारे सरकार में शामिल है। यही तो हम सरकार में शामिल रहे हैं, कौन सी पार्टी है? और हमारा हमारी लोकप्रियता को हमारे साथ और आएंगे लोग। ऐसा थोड़ा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ रहकर शरद पवार उनके मंच तक पर नहीं जाते, अपमानित करते रहे हैं। एक बार नहीं, दो तीन बार हुआ है, लेकिन इनका मजबूरी है। अब रोज अपमानित हो फिर भी पकड़े रहते, लगे रहो राहुल भाई, लगे रहो।